ग्रामीण गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बोले झूठ की मशीन बन गए हैं कांग्रेस के राहुल बाबा, अग्निवीर योजना पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल। अमित शाह की अपील, अपने बच्चों को सेना में भेजने में संकोच न करें, हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी। अमित शाह ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले हुड्डा सरकार में दलाल डीलर और दामाद की प्राथमिकता थी, दिल्ली के दामाद को स्मृत करने के लिए गुरुग्राम की जमीन पर बात की। हरियाणा के बादशाहपुर में वक्फ बिल पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, बोले वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी, शीत सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कर सीधा करने का काम करेंगे। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले हुड्डा सरकार में कांग्रेस ने गरीबों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी, नौकरी भी खर्ची और पर्ची पर मिलती थी। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले अमेरिका जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं राहुल, मैं कहता हूं आरक्षण था, है और सदा रहेगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता। हरियाणा की रैली में हिमंता बिस्व शर्मा का हुड्डा फैमिली पर बड़ा अटैक, बोले बीजेपी सरकार बनाएगी और बाप बेटे तीर्थ स्थान जाएंगे, नायक सिंह सैनी ही बनेंगे सीएम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का विवादित बयान, बोले 600 मदरसे बंद किए, बाकी भी बंद करूंगा, भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा, बोले कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। हरियाणा के लोग बदलाव और विकास चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार तय, बीजेपी की सरकार में समाज का हर तबका परेशान, हरियाणा के करनाल में बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। पंचकुला में बोली कुमारी शैलजा, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा साजिश की, चुनाव में जनता जवाब देगी। केजरीवाल ने हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया, युवाओं को बेरोजगार की गारंटी दी। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में जीत के डर से मुझे रोकना चाहते थे मोदी, केजरीवाल को पीछे छोड़ना है तो काम छोड़िए, जेल भेजकर नहीं। हरियाणा के दलित वोटरों से बीएसपी चीफ मायावती की अपील, अपना वोट कांग्रेस और बीजेपी को देकर खराब न करें। हरियाणा के दंगल में बीजेपी पर खूब गरजे, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बोले बीजेपी ने हमारे किसान भाइयों का अपमान किया, किसी कीमत पर दोबारा उन्हें हरियाणा में घुसने मत दीजिए। हरियाणा में वोटिंग से पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी, 5 अक्टूबर को होना है मतदान। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत बिगड़ी, मंच पर भाषण देते समय लड़खड़ाए, पार्टी नेताओं ने हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। खड़गे की तबियत बिगड़ने के बाद मंच पर बुलाई गई मेडिकल टीम, चेकअप में लो ब्लड प्रेशर के अलावा बाकी सब ठीक, अब हालत स्थिर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उधमपुर में सचिन पायलट की रैली, बोले ज्यादा मतदान से हमें फायदा, हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके।